क्या आपको बहुत नींद आती है? मतलब रात को घंटों सोने के बाद भी आपको दिन भर नींद आती है, आपको आलस रहता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? नींद यानी कि एक ऐसा समय जब दिन भर की थकान के बाद हमारे शरीर, हमारे दिमाग की एक एक सेल को रिपेयर होने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमें ऐसे ही बिना काम करे नींद आ रही है, यानी कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत ज़्यादा सोना आपको आपकी मृत्यु के और भी करीब ले जा रहा है, इसलिए जाग जाइए। और आज आप तीन ऐसी चीज़ें जानने वाले हैं जिसे हमारा योगिक साइंस भी प्रमाणित करता है, और अगर आप सिर्फ इन तीन चीज़ों को कर लो तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी नींद की क्वांटिटी कम हो जाती है और क्वालिटी बढ़ जाती है, यानी कि आप कम सोकर भी दिन भर फ्रेश, एक्टिव और हेल्दी रह सकते हैं। इसमें सबसे पहला है भोजन। तो आजकल हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे अपने शरीर, अपने दिमाग में कुछ भी डालते हैं। तो जहाँ एक तरफ हम अपने शरीर में इस तरीके से तला भुना हुआ बासी भोजन डालते हैं, तो जब ये हमारे शरीर में जाता है तो हमारी प्राणिक ऊर्जा को, हमारी जीवनी शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करता है। इसे पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ये हमारे शरीर की सारी एनर्जी को खा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये सब खाने के बाद आपको आलस आता है, आप थका हुआ महसूस करते हैं। इसलिए आपको ऐसा भोजन लेना है जो आसानी से पच सके, जो आपके शरीर को ऊर्जा दे। वहीं दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, अपने दिमाग में इस तरीके से नेगेटिव विचार डालते हैं। अब क्योंकि ये विचार हमारे दिमाग का भोजन है, तो जब ये हमारे दिमाग में जाते हैं तो हमारे दिमाग की, हमारे शरीर की सारी एनर्जी को खा जाते हैं। इसीलिए आप थका हुआ महसूस करते हैं, आपको दिन भर नींद आती है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने शरीर, अपने दिमाग को किस तरीके का भोजन दे रहे हैं। और इसमें दूसरा आता है सोने का सही समय। तो जो सोने का सही समय है वो है रात को 10 बजे, क्योंकि 10 से 2 के बीच में हमारे शरीर में पित्त का प्रभाव होता है, यानी कि ये आंतरिक शुद्धि का समय है। इस समय आपकी जठर अग्नि प्रबल होती है। तो अगर आप इस समय जागते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको भूख लगने लगती है, फिर आप कुछ भी खाते हैं। तो जो लोग रात को 10 बजे खाना खाते हैं और फिर सोते हैं, तो उनकी जठर अग्नि उसी खाने को पचाने में लगी रहती है, उसे आंतरिक शुद्धि का समय नहीं मिलता है, क्योंकि उनके शरीर की सारी एनर्जी उस खाने को पचाने में ही लगी रहती है, इसलिए उनकी नींद गहरी नहीं होती है। और अगर वो 8 घंटे भी सोते हैं तो भी वो फ्रेश और एक्टिव फील नहीं करते हैं। इसलिए आपको रात का खाना 10 बजे से 3 या 4 घंटे पहले, यानी कि 6 से 7 के बीच में लेना है। तो जब आप ऐसे खाली पेट 10 बजे सोने जाते हैं तो आंतरिक शुद्धि की वजह से आपको नींद गहरी आती है और आप सुबह फ्रेश और एक्टिव फील करते हैं। और इसमें तीसरा आता है योगिक प्रैक्टिसेस। तो आपको कुछ ऐसे प्राणायाम करने हैं जो आपकी नींद की क्वांटिटी को कम कर दें और क्वालिटी को बढ़ा दें। प्राणायाम यानी कि प्राण और आयाम। प्राण यानी कि आपकी प्राणिक ऊर्जा, आपकी जीवनी शक्ति, और आयाम यानी कि कंट्रोल। तो जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए अपनी जीवनी शक्ति को, अपनी प्राणिक ऊर्जा को अपने अकॉर्डिंग चैनलाइज करते हैं, आप पाते हैं कि धीरे धीरे आपके विचारों में ठहराव आता है, आपका दिमाग, आपका मन शांत होता है। इससे आपकी नींद गहरी होती है और आप कम सोकर भी ज़्यादा फ्रेश और एक्टिव फील करते हैं। तो आपको रोज़ रात सोने से 5 मिनट पहले इस तरीके से आराम से बैठना है, और आपको शुरू करना है अपना पहला अभ्यास। तो आपको क्या करना है, अपनी दाई नासिका को बंद करना है और बाई नासिका से 30 से 40 बार गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। क्योंकि आपकी दाई नासिका सूर्य नाड़ी है और ये क्या करती है, आपके शरीर, आपके मन को सक्रिय करती है। तो हमें क्या करना है, अपने मन, अपने शरीर को शांत करना है, इसलिए हमें अपनी बाई नासिका यानी कि चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है। तो ये अभ्यास आपको हर रोज़ 5 मिनट करना है। फिर आप आराम से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, अपनी दोनों नासिकाओं से गहरी सांस लें, और ऐसा आपको 5 से 10 बार करना है। फिर आपको करना है अपना दूसरा अभ्यास,
अर्थात भ्रामरी प्राणायाम। आराम से बैठ जाइए, अपनी पीठ को सीधा रखें और अपनी आंखों को बंद कर लें। फिर अपनी तर्जनी उंगली को अपने माथे पर रखें और अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली को इस तरीके से आराम से अपनी आंखों पर रखें और अपने दोनों अंगूठों से इस तरीके से अपने दोनों कानों को इस तरीके से बंद कर लें। फिर आपको गहरी सांस लेनी है और मुंह बंद करते हुए भ्रमर अर्थात मधुमक्खी की आवाज़ में अपनी सांसों को छोड़ना है। और ऐसा आपको हर रोज 15 से 20 बार करना है। भ्रामरी प्राणायाम से आपके विचारों में ठहराव आता है, इससे आपका दिमाग आपका मन शांत होता है और जिससे आपको नींद अच्छी आती है। और फिर सुबह उठकर आपको 5 मिनट करना है भस्त्रिका प्राणायाम। सिद्धासन या सुखासन में आराम से बैठ जाइए, अपनी कमर गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपने मन और शरीर को स्थिर करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लें। फिर आपको गहरी सांस लेनी है और फिर इसे छोड़ना है। सांस लेते समय आपका पेट फूलना चाहिए और सांस छोड़ते समय आपका पेट दबना चाहिए, और ऐसा आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ता है और आपके शरीर की एक एक सेल को ऑक्सीजन मिलती है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का प्रवाह होता है। तो ये 3 प्राणायाम आपको हर रोज 15 मिनट करने हैं। तो जब आप अपने भोजन, नींद का समय और ये प्राणायाम करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी नींद की क्वांटिटी कम हो जाती है और क्वालिटी बढ़ जाती है।